नरकटियागंज प्रखंड के धूम नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 में मतदान के दिन दोनों पक्षों में विवाद होने का मामला प्रकाश में आया है, जहां अकबर अली का कहना है कि मुझे मुखिया पुत्र सिराज अंसारी से धमकी मिला है कि आपको हम बर्बाद कर देंगे, आज तो मतदान हो रहा है इसलिए छोड़ रहा हूं, लेकिन हार भी जाता हूं या जीत भी जाता हूं तो मुझे बर्बाद कर देंगे, और मेरे साथ धक्का मुक्की भी किया गया और मुझे झूठा पैसा देने का आरोप लगाकर विवाद किया गया और मुखिया पुत्र के द्वारा जान से मारकर फेंकने की धमकी दी गई। इससे मैं और मेरा परिवार डरा हुआ है। जब इसके बारे में मुखिया पुत्र सरोज अंसारी से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि जो भी आरोप है गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, वह लोगों के घर में जाकर ऐसा बांट रहा था और मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा था, तभी मैंने देखा और कहा यह सब क्या हो रहा है, उसके बाद मैं वहां से चल दिया, इसलिए वह हमसे झूठा आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन इसकी सूचना बेतिया पुलिस अधीक्षक को अकबर अली के द्वारा दी गई, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय थाना अपनी टीम के साथ पहुंचकर उसको मतदान कराया और बताया कि प्रशासन आपके साथ है, आपको कुछ भी नहीं होगा। हम यही कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको हम झूठा अंजाम फंसा करके, हमारे पास इतना गवाह है कि हम अभी आपको कह देंगे कि आप फलाना आदमी का पैसा बांट रहे हैं, फलाने घर में थे, ऐसे ऐसे करके अंजाम लगा के हम गवाही भी दिलवाएंगे और आपको जेल भी भेजवाएंगे उल्टा में। तो यही सरकार से कहना है कि उचित कार्रवाई किया जाए। और एक मुखिया के देवर थे फैयाज अंसारी, क्या हुआ था तो हमसे पूछा गया खूब मशवरा से कि कहाँ जा रहे हैं, हम बोले वोट डालने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने पूछा कि किसको वोट दे रहे हैं, तो सर हम वोट दे रहे थे रेशमि कुमारी को, तो जो प्रमोद मिश्रा की पत्नी है पतो है, तो उसी को हम वोट देने के लिए बोले, बस ये लोग आग बबूला होकर के हमको लगा कि हमको ये लोग मार देंगे। कौन आग बबूला हो गया? सिराज अंसारी। क्या दिक्कत है उनसे? तो वो कहा कि गाँव में वोट नहीं देते हैं और अपने गांव का इज्जत प्रतिष्ठा दूसरे को दे रहे हैं। हमने कहा भैया हम तो घूमे हैं प्रमोद मिश्रा के साथ, पहले से हमारा मत दे चुके हैं, अभी अगली बार सोचा जाएगा आपके पास आपके बारे में, तो हम तो मत उन्हीं को देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फैयाज अंसारी उनके अंकल जो है चाचा हमारे हाथ पास आकर के धक्का मुक्की करने लगे और कहे कि जो सर में बाल है एक भी नहीं रहने देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, अभी वोट हो जाने दीजिए, उसके बाद में हम आपको गांव में रहने भी नहीं देंगे। मुखिया प्रत्याशी के जो भी परिचित हैं उन लोगों का कहना है? हाँ, मुखिया के खुद वो जो पूर्व मुखिया थी उनके देवर थे वो, उसके बाद में पता नहीं हमारे पास आते आते मैं 10 मिनट के अंदर में 25 के संख्या में लोग आ गए, कोई इधर खींच रहा है हमको, कोई इधर खींच रहा है, 20-25 के संख्या में आकर के कि ये गाँव को बर्बाद कर देगा और दूसरा जगह वोट डाल रहा है। तो सर हम तो वहाँ पे बहुत डर गए, सहम गए, उसके बाद हमारे पास एक दो आदमी आए तो धक्का उक्का छुड़ाए सब, और छुड़ाने के बाद हमको गांव वाला ला करके यहाँ अंदर हमारे घर में किए। ये सारा चीज वोट के लिए हो रहा था? जी सर, वोट के लिए हो रहा है, यहाँ के दबंग आदमी है सर ये, इनके खिलाफ इधर कोई आवाज नहीं उठा सकता। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से अपनी रक्षा चाहते हैं सर, कि हमारी सुरक्षा हो। हम एक व्यवसायी है छोटा मोटा, जो कि हम मुर्गी का काम करते हैं, चूजा पालते हैं और फेरिया वाले को देते हैं, और हम जब तक फार्म में नहीं जाएंगे, पानी दाना नहीं करेंगे तो हमारी चूजा नुकसान हो जाएगा सर, और हम बहुत दुखी हैं सर कि हम कैसे निकले घर से, जबकि हमको बोला गया है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, आज नहीं तो कल आपको हम जान से खत्म कर देंगे। ये जो मुखिया रह चुके हैं उनका कहना है जी, और गाँव वाले में से भी 20-25 के संख्या में इनके दबंग आदमी लोग थे, उन लोगों का भी यही कहना है कि गांव छोड़ के जा रहे थे, इसको मार ही दिया जाए। उसमें हम अभी नाम नहीं बता सकते हैं, इसलिए जब वक्त आएगा हम नाम भी उन लोगों का बताएंगे। इसमें कुछ वार्ड सदस्य भी थे जो इनके पक्ष में थे कि आप हमको वोट दिलाइए, हम आपको दिलाए। वार्ड में जो भी बूथ है वहाँ पे अकबर अली गए थे सुबह में, उनका कहना है कि सिराज जी के कुछ लोग जो है हमसे बहुत तरह के एक अलग तरह के व्यवहार कर रहे हैं, हमें जान माल का खतरा है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें वोट बैंक की बात आ रही है, क्योंकि आज वोटिंग हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो बहुत परेशान है, वो एसपी को भी खबर किए, थाना को भी खबर किए, थाना आया भी, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत धूमनगर प्रखंड नरकटियागंज मुखिया प्रतिनिधि सिराज अंसारी, मैं जब सुबह वोटिंग चालू हुआ तो अपने बूथ को चेक करते हुए जमुनिया बूथ पे गया
और उस बूथ से मैं जब लौट रहा था तो मुझे ग्रामीण द्वारा पता लगा कि एक खली खाओं का घर है, उस घर में ये घुस के और पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, 50,000 रुपया लिए हुए थे, पैसा बांट रहे हैं वो। आप देखे तो जैसे, हाँ बिल्कुल देखे, जैसे हमको खबर लगा तुरंत इमिडिएटली हम 3-4 लोगों के साथ वहाँ पहुँचे, वहाँ घर वाले भी वो थे, हम बोले ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको कन्विंस करना था तो इसके लिए सरकार 8 दिन समय दिया था, आपको करना चाहिए, इस समय तो समय नहीं है, आप बाहर निकलिए। आप उनको हम जबरदस्ती बाहर लेके आए, बाहर जब लेके आए तो हल्ला गुल्ली करने लगे, बोले जी कि हमको जान मार, वहां से तो आराम से वो घर पे आ गए, किसी से कुछ नहीं, सब ग्रामीण भी वहां पे थे और यहां भी करीब करीब 100 के करीब ग्रामीण है, आप यहां पूछ सकते हैं कि उस आदमी पे पहले से दर्जनों मामला इस तरीके का है और मेरे ऊपर एक भी अगर मामला इस तरह का है तो आप लोग चेक करा लें। और उनका यही काम है कि गलती भी करना है और उस पे सीना जोरी भी करना है। सिराज जी, तो उनका कहना है कि आप उन्हें धमका रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। जी, तो इसके लिए मैं सफाई नहीं दूंगा, मेरे गांव के लोग हैं, 100 में से 5 लोग भी यहाँ कह देंगे जी कि हाँ हम धमकाने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। आप ग्रामीण से पूछ लीजिए, हमसे किस लिए पूछिएगा, आप जब हम तो ये थोड़े बोलेंगे नहीं हम धमकाए हैं या नहीं धमकाए हैं, आप ग्रामीण से पूछ लीजिए, धमकाए वहाँ पे करीब करीब बहुत ग्रामीण थे वहाँ पे, तो कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं बोले। तो बिल्कुल एक नहीं। एक सवाल हम और... चुनाव लड़ रहे हैं या झगड़ा करने आए हैं ये बताइए, चुनाव न लड़ रहे हैं। एक सवाल उनका और था कि जो चुनाव आपके द्वारा बोला गया कि जो हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे उनको मरवा देंगे, इसके बारे में क्या? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कोई बोल सकता है? आप लोग भी जानते हो। जी जी, अगर आपको विशेष जानना है तो मेरे गांव में आप आए हुए हैं, जी जी। एक एक घर पूछ लीजिए जी, अगर उसमें से 5-10 घर भी निकल जाता है जी, तो आप मेरे सिराज जी, आपको पैसा दिखा घर में बांटते हुए अगर आप जी जी, तो आप सिराज जी के और अकबर अली जी के बीच में उसके बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ हम ना जानते है कि सब पंच मन ठीक है, उनका लिए के तरह जानता रहन कि वो अपना कहता रहन कि हमारा का सराज मारत आन का गरिया का लोग मारत आवा के मरल से के गरिया उगल से उनका के कुछ नहीं है, मतलब जो भी आरोप लगाए हैं बिल्कुल गलत है, केहू कुछ ना लगौल से। आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं हम जानते हैं, सब झूठा बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब गलत बात है, सब सराज अंसारी के सबको फंसाया के काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमन कपूर। R9 भारत के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट बेतिया से।